नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराजा रुद्रमल वार्ड 23 रुदाली में परेशानियों को लेकर परेशान रहती है जनता, लेकिन पूर्व सभासद मोहम्मद रियाज और फराना इन परेशानियों में रहते हैं हमेशा वार्ड वासियों के साथ। हम आपको बताते चलें कि इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। डेंगू का प्रकोप को देखते हुए लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन रुदाली के वार्ड 23 महाराजा रुद्रमल में किसी भी प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ अभी तक। यह बात हम नहीं बल्कि वहाँ की जनता कह रही है। वार्ड में बनी हुई टूटी फूटी नालियां जिसकी कोई साफ सफाई नहीं होती है। इस मौके पर मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद गयास अहमद, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अली उर्फ चुन्नू, राजू गुलाब, लालजी एनुल हक, कृष्ण मुरारी एडवोकेट व अन्य लोग रहे उपस्थित। अभी मोहल्ले कटरे में भी छिड़काव नहीं हुआ, मच्छरों का प्रकोप बहुत भयंकर रूप से, बैठना मुश्किल हो गया है। हमारा मोहल्ला अकबरगंज, उसमें भी कोई छिड़काव नहीं हुआ है। हमारे मोहल्ला अकबर यही जरा डेंगू की दवाई छिड़का है, तो छिड़काव करा दिया। पूर्व सभासद हम लोगों को सहयोग से, हमने हमको पूर्व सभासद लोगों ने बनाया। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो हमने काम किया, जो विकास किया, वो जनता के सामने है। हमारे कार्यकाल में कहीं पे रोड पे एक गड्ढा नहीं था। आज किसी भी गली में आप निकलिए तो 1 मीटर नल का जो कनेक्शन होता है, जो नगरपालिका भुगतान होता है गड्ढा खोदने का और गड्ढा पाटने का, कोई भी गली में आप निकल जाइए तो हर गली में 8-10 गड्ढे आपको मिलेंगे। ये है मौजूदा का कार्यकाल और मेरा पूर्व काल में जो हमारा काल कार्य किया था वो आप पब्लिक की निगाहों में है। और पब्लिक ने अगर चाहा हमको जिताया तो जैसे हमने पूर्व में विकास किया था उस हिसाब से विकास की गंगा हम बहा देंगे। सर, जो लाइट 1 सुफियाने में, अच्छा आपने याद बता दिखा दिया, सुफियाने में विधायक अब्बास अली जैदी जो राज मंत्री रह चुके हैं उनके पीछे एक गली में डीसीओं केबिल लगी हुई थी, लटकी हुई, जो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हमको पता चला, जानकारी हुई, वो महाराजा रुद्रमल वार्ड में शामिल हुआ। जब हम वहाँ गए तो देखा, हमने जई साहब से, एसडीओ साहब से अपनी बात को रखा और केबिल को हमने दिखाया। उन्होंने कहा हाँ, इसमें बहुत बड़ी घटना हो सकती है, जो कि 12 साल से वहाँ 2 पार्टी के बीच में खम्भा नहीं लग रहा था। हम गए, सिर्फ 2 घंटे में उसका निस्तारण करके हमने मौजूदा, अभी परसों हमने जो है एक सीमेंट का खम्भा वहाँ पर खड़ा करा दिया और केबिल को उस खम्भे में बंधवा दिया। ये है मेरा मतलब कार्यकाल, जो कि मैं मौजूदा सभासद नहीं हूँ। और इसके पहले भी हमने किला चौकी के सामने जितने खम्भे लगे हैं गली के अंदर गए, वो मैंने ही अपने कार्यकाल में लगवाया था। और कहीं पर कोई लाइट का मामला होगा फिर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसको हम काम कराएंगे। सामने वाले देखो, हम निर्दल हैं, आज़ाद हैं, हम कोई पार्टी से नहीं लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे। और पब्लिक, महाराजा वार्ड की जनता मेरे साथ में है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मुझको सहयोग कर। नगर पालिका में आपके वार्ड में जी अभी तक जो डेंगू मच्छर का चल रहा है प्रकोप, छिड़काव हुआ या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ हमारे, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या व्यवस्था है आपके आपके नगर पालिका में चल रही है इस समय? मगर यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जो लाइट चल रही थी, तो खंबे का नया खंबा लगवाया गया है, तो किसने लगवाया, किसने ज्यादा ध्यान देते हैं इस मतलब इस ये खंबा जो है हमारे कटरे के राणा भाई जो है उन्होंने लगवाया है। और यहाँ पे बहुत खतरा है, ये देखिए केबिल जितनी लगी हुई है, इसमें कोई भी बच्चा चपक सकता है, मर भी सकता है। हम लोग इनसे कई बार रिक्वेस्ट किया है तो ये खंबा इन्होंने लगवाया। जब केबिल ये नीचे गिर रही थी तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, कोई नहीं, आपने कहीं पर एप्लीकेशन वहाँ 2 बार दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं दिया था, वहाँ जा करके बिजली घर में दिया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आइए भैया, लो भाई बोलो, आगे हैं। क्या नाम भाई आपका? गयास अहमद। क्या कहना चाहोगे अपने वार्ड के लिए?
क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे कि यहाँ पे काफ़ी साल से ये बिजली की पोजीशन बहुत ख़राब है, इधर काफ़ी दिनों से ये खंभा यहाँ पे लगा हुआ, पीछे मेरे साइड पे इधर देख रहे हो, काफ़ी लोग देखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये राणा साहब जो पीछे बहुत दूर पे रहते हैं वो आके बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने लगवाया, और बाकी लोग देखते हैं आके बोलते उल्टी सीधी हरकतें करते, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं। अच्छा, जो मच्छर का प्रकोप चल रहा है, हाँ उसके पे उस पर भी कोई नहीं देख रहा है ना कुछ कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी माने कभी भी कभी आप नहीं। मैंने कभी देखा ही नहीं, वाले में तो कभी नहीं पड़ता। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।